सो सीन ऐसा है, हम आए थे पार्क, बट ड्यू टू कोरोना वायरस पार्क भी क्लोज है। एक्सरसाइज हमें लग रहा है कुछ और ही तरीका निकालना पड़ेगा। नमस्ते वनकम, मैं हूं नवीन कुमार फ्रॉम दिल्ली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल NKV Vlogs। सो गाइस, आज मैं थोड़ी सी बात दिल्ली के बारे में करना चाहूँगा। आई होप आप लोग इससे एग्री करेंगे, तो सुन लो यार, एग्री करोगे तो आप लोग भी सुन लो। दिल्ली को कभी इतना शांत नहीं देखा मैंने जितना मैं आजकल इसे देख रहा हूँ। रोड्स पर बाइक्स और कार बहुत लिमिटेड हैं, पुलिस और एम्बुलेंस ही ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं आजकल। जिसका घर रोड के पास है उसे हर 10-20 मिनट में एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई दे रही है, वो जाते हुए भी देख पा रहा होगा। जिसका नहीं भी है उसको भी आवाज़ सुनाई दे रही है, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, यूपी हो या फिर कोई और शहर हो। मेरी लाइफ में मैं ये सब पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मतलब बहुत ही अलग एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ये। इससे पहले ना मैंने कभी इसे एक्सपीरियंस किया, ना मैंने ऐसा कुछ देखा है, फिल्मों में देखा है। रियल लाइफ में मैं इसे पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मैं क्या, मोस्टली आप लोग में से भी बहुत लोग इसे पहली बार ही एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। जिस तरह के हालात हैं, घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है, बट जब काम बहुत अर्जेंट हो तो निकलना ही पड़ता है। हम सब तो फिर भी घर में ही रहते हैं ज़्यादातर टाइम, बट डॉक्टर्स एंड पुलिस ऑफिसर एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स जो डेली बाहर निकलते हैं, वो बाहर निकलते हैं इसलिए हम सेफ हैं। तो उनकी मेहनत को वेस्ट ना करें और अभी जितना हो सके हम घर में ही रहें। बस अभी इतना ही एक्सपीरियंस किया है। मतलब बेसिकली मैं ये नहीं सोच पा रहा मैं डिस्क्राइब कैसे करूँ, बोलना तो बहुत कुछ कहता हूँ बट वही है, वर्ड्स नहीं मिलते उसके लिए। एनीवे, टॉपिक चेंज करता हूँ वरना इमोशनल ब्लॉग हो जाएगा और सिंपथी ब्लॉग में बनाना नहीं चाहता। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ब्लैक एंड व्हाइट क्यों है, आज क्या हो गया इसको, आज ये ब्लैक एंड व्हाइट क्यों बना रहा है। तो मैं बताता हूँ, कल रात को हमने देखी कोटा फैक्ट्री और उस वेब सीरीज को देख के हम जो इंस्पायर्ड हुए ना, मज़ा ही आ गया हमें, बहुत मज़ा आया देख के। आई मीन द स्टोरी एंड द शॉर्ट्स अमेजिंग, जिस तरीके से दिखाया गया आई लव इट, बहुत मज़ा आया मुझे देख के। और इस टाइम पे ब्लैक एंड वाइट शूट करना और ब्लैक एंड वाइट में प्रेजेंट करना अलग ही क्रिएटिविटी है। रिस्की भी हो सकता है ये, क्योंकि क्या है आजकल लोगों को कलर में देखने में ज़्यादा HD चल रहा है, 4K चल रहा है, 8K चल रहा है, ये सब चल रहा है, और इसके बीच में अगर आप ब्लैक एंड वाइट लेके आते हो रिस्क तो है ना। बट इन्होंने रिस्क लिया, बट ये मज़ा आ गया यार देख के, अमेजिंग है, बहुत दिल से मज़ा आया। जो इसमें मेन फेवरेट कैरेक्टर है मेरा, वो मीना है। आई मीन व्हाट एन एक्टिंग मैन, क्या एक्टिंग करी बंदे ने, एक टाइम पे क्लिक कर गया, वो एक ही बार में क्लिक कर गया। और जीतू भैया तो है ही गजब के, सो इसलिए हमने सोचा आज का व्लॉग ब्लैक एंड वाइट ही बनाया जाए। अगर आपको अच्छा लगे हमारा व्लॉग तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कीजिए, बट अगर व्लॉग देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ करके जाइए, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो। सो आज मैं नोएडा निकल रहा हूँ, एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही अर्जेंट है तभी जा रहा हूँ, वरना नहीं जाता, कुछ अर्जेंट काम आ गया है सो इसलिए जाना पड़ रहा है। तो पहले नोएडा पहुँचते हैं, चलते चलते बात करता हूँ क्योंकि मुझे पहुँचना बहुत जल्दी है, समझ रहे हो ना, फीलिंग समझ जाओ यार बस। तो चलिए चलते हैं फिर, चलते चलते बात करते हैं फिर। जैसे मैं देख रहा हूँ और आप भी शायद देख रहे होंगे, दिल्ली में स्ट्रिक्टनेस कुछ ज़्यादा ही हो गई है। हर जगह बैरियर्स एंड पुलिस ऑफिसर, CRPF ऑफिसर सब लगे हुए हैं, एंड कहीं ना कहीं ठीक भी है क्योंकि इस कोरोना को हम ऐसे ही हरा सकते हैं घर पर बैठकर। आज आफ्टर 1 मंथ के बाद मैं धौलाकुआं आया हूँ, क्या अलग ही लग रहा है यार, और बहुत अच्छा भी फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है आज यहाँ आकर। लास्ट टाइम जब मैं आया था धौलाकुआं तो यहाँ एक कंस्ट्रक्शन चल रही थी, जो कंस्ट्रक्शन चल रही थी वो आपकी चल रही थी मोतीबाग मेट्रो स्टेशन के नीचे, तो आप देखना है वो कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रही है। अगर वो कंस्ट्रक्शन चल रही होगी तो डाइवर्जन आ गया होगा, अगर उधर का काम कम्प्लीट हो गया होगा तो डाइवर्जन आ गया होगा, नहीं तो फिर हमें स्ट्रेट जाना पड़ेगा, अगर आ गया तो डाइवर्ट होके जाएंगे, कुछ कर नहीं सकते ना इसलिए। यस, जैसे मैं आपको लोगों को बोल रहा था, देखो इस तरफ का काम कंप्लीट हो गया है तो इसलिए डाइवर्ट कर दिया गया है, अब जो दूसरा काम होगा ये स्ट्रेट वाले पे होगा। पहले हम इधर से जाते थे, एकदम स्ट्रेट निकल जाते थे और इधर चल रहा था काम, डाइवर्जन जिस तरफ से अभी हम घूम के आ रहे हैं, बट अब यस इस तरफ का काम कम्प्लीट हो गया, अब उस तरफ काम चल रहा है तो इसलिए वो रास्ता ब्लॉक है। बट देखते हैं जितनी जल्दी ठीक हो जाए, जितनी जल्दी ये काम ख़त्म हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत लगता है। अभी नहीं लग रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन कि बंदे बाहर निकल नहीं रहे, अदरवाइज यहाँ पे ट्रैफिक हो जाता है बहुत तगड़ा वाला। दिल्ली
आज बहुत अच्छी भी लग रही है और बुरी भी लग रही है। अच्छी इसलिए लग रही है क्योंकि रोड खाली है, ट्रैफिक नहीं है ज़्यादा, पॉल्यूशन कम है। और बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि शांत है रोड और ट्रैफिक कम है। वो समझ रहे होगे आप ट्रैफिक, मैं बुरे में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग मजबूरी में घर में रहें। क्योंकि इस टाइम जो लोग घर पे रुके हुए हैं, जो बाहर नहीं निकल रहे, वो मजबूरी में नहीं निकल रहे हैं, अदरवाइज़ समझ रहे हो ना। तो ये एक बुरा पार्ट है, इसको जल्दी, ये जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए उतना अच्छा हम सब के लिए। यहाँ पे भी बैरियर, वहाँ पे भी बैरियर, हर जगह बैरियर ही बैरियर, क्या हो गया है, स्ट्रिक्टनेस कुछ ज़्यादा ही हाई है। मुझे डर इस बात का है कहीं DND बॉर्डर से मुझे रिटर्न ना आना पड़े, क्योंकि मेरे पास ई पास नहीं है। मैंने अप्लाई करा हुआ है बट अभी तक मुझे मिला नहीं है, और आज मुझे जाना अर्जेंट है, इसलिए मैं बांके बिहारी का नाम लेकर निकला हूँ। बांके बिहारी का नाम लेकर निकल गए हैं, देखते हैं अब जो होगा देखा जाएगा। बट लास्ट टाइम मुझे वापस आना पड़ा था पिछले लॉकडाउन में, अब देखते हैं इस बार क्या होता है। D&D हाईवे, यहाँ आकर लगता है कि बाइक में पावर बहुत कम है, क्योंकि रोड इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी, इतनी बढ़िया, बाइक को भगाने का मन करता है बट पावर कम पड़ जाती है। बट कोई नहीं, ये भी बढ़िया है, हमारे राम प्यारे भी कम नहीं है। और ये मेरी फेवरेट प्लेस, आई लव दिस प्लेस, बट आज रुक नहीं सकता क्योंकि टाइम का। तो हम D&D टोल के पास पहुँच गए हैं, अब देखना है क्या होता है। वेट, यहाँ सिर्फ बैरियर लगे हुए हैं बट कोई पुलिस या CRPF वाले दिखाई नहीं दे रहे हैं। मेरे ख्याल से इस बार सिर्फ बैरियर्स लगा के छोड़ दिया गया है, पुलिस वाले और CRPF वालों को अलाइन नहीं किया गया है यहाँ पे। तो ये तो अच्छी बात है हमारे लिए, हम अपना काम करके आराम से निकल सकते हैं, टेंशन ख़त्म। तो अब मैं अपना काम ख़त्म कर लेता हूँ, देन मैं आपको मिलता हूँ। ओके, तो मिलते हैं थोड़ी सी देर के बाद। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका नवीन कुमार वापस आ गया है, अपने सारे काम ख़त्म कर लिए हैं और अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ। काम ज़्यादा नहीं था बट यही है, यहाँ आके ही वो ख़त्म हो सकता था, इसलिए हमें आना पड़ा। बट एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी, एज़ कम्पेयर टू दिल्ली नोएडा में मैक्सिमम चीज़ें ओपन है, लाइक ई रिक्शा चल रहे हैं, शेयरिंग ऑटोज़ भी चल रहे हैं, बट मैं ज़्यादा अंदर की तरफ नहीं गया। जिस तरह से मुझे माहौल लग रहा है, मे बी शायद शॉप्स भी ओपन है। तो चलिए पहले घर चलते हैं, क्योंकि धूप बहुत हो रही है और गर्मी बहुत तेज़ लग रही है। अभी बाइक पर हूँ इसलिए गर्मी उतनी महसूस नहीं हो रही है, बट बाइक पे भी एक चीज़ बड़ी तेज़ लग रही है, गर्म हवा। ऐसे लग रहा है जैसे कोई भट्टी जल रही हो सामने, उसके सामने मैं बैठा हूँ, इतनी तेज़ गर्म हवा लग रही है। और शायद इसको लू भी बोलते हैं, लू बोलते हैं हमारे यहाँ, लू बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं वो नहीं पता मुझे। तो यस, इसलिए पहले हम घर पहुँचते हैं, देन बात करते हैं। ओके, तो चलिए मिलता हूँ मैं सीधा आपको घर पे। A few moments later. So, अपना बर्गर आ गया है, लास्ट टाइम रह गया था, लास्ट टाइम हमें यहाँ से जाना पड़ गया था। ले ले भाई, तुम्हारा भी है, मेरा ही नहीं है, तुम भी हो साथ में। ले लो, तेरा कौन सा है? वेज मस्टर्ड, आलू टिक्की वगैरह। ये नॉन वेज, ये भी नॉन वेज, और हमें नाश्ते ले लेना, सॉस ले ले देगा वो। सो आज का व्लॉग हम यहीं एंड कर रहे हैं, बर्गर के साथ। लास्ट टाइम पेंडिंग हो गया था, इस बार पेंडिंग नहीं छोड़ा। और यस, बस बाकी सब बढ़िया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जो करना है कर दीजिए। अगर वीडियो देख रहे हो तो कुछ भी करिए, पर बिना करे मत जाना, माता रानी पाप लगाएगी इस बार। ठीक है, बाय, टेक केयर, मिलते नेक्स्ट व्लॉग।